नमस्कार, एक फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टुडेज न्यूज में। मेरे साथ यानी कुमार अभिषेक के साथ और एक फिर से हाजिर हम एक बेहद ही अहम न्यूज को लेकर। आमिर खान ने पूरे देश के साथ साथ देशवासियों से भी माफी मांगी। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और अपने नायाब रिसर्च के लिए सर्वविख्यात अभिनेता आमिर खान ने कुछ ऐसा किया है जिसकी अभी सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हो रही। चर्चा इस बात की, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आमिर ने सबसे माफी मांगी है। हालांकि ऐसे वक्तव्य तो महज वो लोग दे रहे हैं जो इस पूरे मामले से अनजान। वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर फिरकी लेते हुए ये कह रहे हैं कि चलो माफ किया। दरअसल आमिर खान ने एक ऐसा ट्वीट किया जो अभी सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट करके लिखा है कि मिच्छामि दुक्करम। इसके बाद उन्होंने लिखा कि अगर मैंने जान से अनजान से किसी को दुख या दर्द पहुंचाया है तो मैं हाथ जोड़ करके और सिर झुका करके ऐसे सभी लोगों से माफी मांगता हूं। यहां हम आपको बता दें कि मिच्छामि दुक्करम बंगाल में मनाया जाने वाला एक ऐसा पारंपरिक त्यौहार है जिसे हर व्यक्ति उन सभी लोगों से माफी मांगता है जिसका उनसे कभी दिल दुखाया हो। तो वहीं कुछ लोग इन सबसे इतर आमिर खान की अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आने वाले हैं और माना यह भी जा रहा है कि इस फिल्म में आमिर बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं और फिलहाल इस फिल्म का उनके फैंस को काफी बेसब्री से इंतजार है और यह फिल्म 2020 में रिलीज होने वाला है। बता दें कि इसके पहले आमिर खान की मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट गई थी और उसके बाद से उन्होंने खुद से जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि इस फिल्म के फ्लॉप होने का जिम्मेदारी मैं लेता हूं और आगे आने वाले समय में मैं कुछ बेहतर काम करके दिखाऊंगा। इसके पहले भी आमिर खान एक दफा जब तब चर्चा में आ गए थे, उन्होंने कहा था कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ गया है और यहाँ रहना उनकी बीवी को डर लगता है। इसके बाद से देशवासियों ने उन्हें काफी ट्रोल किया था और उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी और इन चीजों के बाद, बुरे एक्सपीरियंस के बाद आमिर खान ने एक बार फिर से इस बंगाली त्यौहार मिच्छामि दुक्करम के जरिए लोगों से माफी मांगी। कुछ लोग आमिर खान का ये ट्वीट उनके आने वाले फिल्म की तैयारी को भी जोर करके देख रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग का मानना है कि आमिर खान इस तरीके से एक बार फिर से चर्चा में बने हुए। तो यह बॉलीवुड से जुड़ा हुआ और आमिर खान से जुड़ा हुआ एक बेहद ही अहम न्यूज जहां पे उन्होंने सरेआम देशवासियों से माफी मांगी है। वैसे आमिर खान ने यह माफी क्यों मांगा है यह समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पिछले कुछ समय में उनकी पॉपुलरिटी डाउन हुई है या फिर उनकी मूवीज पीटे हैं, शायद इस वजह से वो दोबारा भारत की जनता के सामने दिल खोल करके सामने आना चाहिए। हम फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ अन्य खबरों को लेकर के। देखिए रहे हमारे चैनल टुडेज न्यूज और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले ताकि अगले दफा जब हम कोई खबर लेकर के हाजिर हो तो आप तक बड़े ही आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर।